one, then we introduced to, we have on my right, Mr. Udit Vats. He's a co-producer from Namo Studio. Paji, of course, needs no introduction. The director of the video, Mr. Nili Gulati, and I, you know, we have the press conference open. We can start with you. Tell us about the song, yes, you can. So, as सब लोगों ने सुना ही होगा गाना, बहुत ही ज़बरदस्त गाना पाजी का. जब हम लोगों ने हम लोग सोच रहे थे कुछ कोलैब, जब वी वर ट्राइंग टू फॉर्म नमो स्टूडियोज़, तो पाजी के साथ मीटिंग्स हुई, बात करी हम लोगों ने क्या कर सकते हैं. तो ये गाना सुना हम लोगों ने, और इस गाने के पीछे बहुत पाजी को रिक्वेस्ट करी कि ये गाना तो हमें चाहिए ही, सिंस हम लोग नया लेबल लॉन्च कर रहे थे. और लकीली ही अग्रीड. एंड गाना, मतलब ये गाना जब फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने सुना था, एक इतना यूनिक वर्ड है, मतलब इस गतिविधि के नाम से कोई गाना, अभी तो कोई ऐसा वर्ड से कोई गाना ही नहीं था. बाकी और जैसे जाम भी हम लोगों ने किया है, काफ़ी सारे सॉन्ग हैं उस पर, तो एक अलग से ये भी था कि हाँ यार, ये कुछ नया हम लोग करने वाले हैं. और गाना सब लोगों ने सुना ही होगा, गाना एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, और पाजी का खुद का म्यूज़िक बहुत टाइम बाद. सब लोग, फैंस भी इतने ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे कि पाजी अपना म्यूज़िक लाओ, अपना म्यूज़िक लाओ, तो इसमें पाजी का ही म्यूज़िक, पाजी के ही लिरिक्स, और रेस्ट आप लोग देख रहे हैं. हम लोग ऑलमोस्ट वीडियो पे मोर देन 20 मिलियन हम लोगों ने जस्ट इन अ वीक वी हैव क्रॉस्ड. एंड अभी और होप है कि ये गाना और अच्छा जाए, सब लोगों को सुने, सारे चार्ट बस्टर पे अच्छा चल रहा है गाना. वर्ल्ड के हम लोग शायद ग्लोबल में भी हम लोग नंबर सेकंड पे गया है हमारा सॉन्ग. वर्ल्ड के हर जगह पर, हमने इंडिया में आज भी टॉप 10 वीडियोस में हमारा सॉन्ग है. तो रेस्ट पाजी बताएंगे. बहुत मज़ेदार है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. और मैं कहना चाहूँगा कि इनका लेबल नया है उदित भाई का और गौरव भाई का, लेकिन इनका जोश बहुत पुराना लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने इस दोनों गानों को, जाम को और गतिविधि को, सिर्फ मीर भाई की हेल्प से एक ही महीने में ऑर्गेनाइज़ किया और शूट किया बैक टू बैक दोनों गानों को, और बैक टू बैक अपने लेबल की टीम को खड़ा किया कि वो विद इन 1 मंथ इसको रिलीज़ कर पाए. क्योंकि हमारे पास ये गोल्डन चांस था कि 31st से पहले हम इस गाने को रिलीज़ करें. और दोनों गानों को, जाम को हमने नवंबर में रिलीज़ किया और गतिविधि को 24 दिसंबर को, और फाइनली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और डेफिनेटली आगे भी हम बहुत कुछ साथ में कर रहे हैं. सो बेसिकली दिवाली से जस्ट पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी आपस में, तो 7-8 डेज का ही टाइम था हमारे पास वीडियो शूट करने के लिए. तो हनी भाई ने हमसे पूछा आप कर लोगे, तो बेसिकली अगर हनी भाई होते हैं फ्रेम में तो हर चीज़ ही पॉसिबल है. तो 3 दिन के अंदर हमने ये 2 वीडियोस करी, वेरी लाइक ग्रैंड वीडियोस जो हमने प्लान करी थी उस तरीके से निकल के आई नमो स्टूडियोज़ के साथ. एंड गतिविधि को जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड हनी भाई और मोनी के साथ जो केमिस्ट्री है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. एंड जब हनी भाई वीडियो में होते हैं तो उस वीडियो का लेवल तो अपने आप ही काफ़ी नॉच ऊपर हो जाता है, और मेनली एज अ डायरेक्टर बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि मेरे को डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं पड़ता. हनी भाई खुद ही इतना फ्री स्टाइल, इतना सब कुछ, ऐसी परफॉर्मेंस लेवल है इनकी, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को हनी भाई के साथ काम करने का मौका मिलता है. और गतिविधि में भी वही हुआ, विद इन फ्यू आवर्स हनी भाई ने जो परफॉर्म किया वो आप देख ही सकते हैं वीडियो में सब कुछ. मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मीर की एज अ डायरेक्टर विजन हमेशा बहुत बड़ा रहता है. इनकी टेक्निकल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्रोगलाइज्ड के नाम से इनके 7-8 लड़कों का गैंग है जो बिल्कुल पागल लड़के हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं. और उसके बावजूद मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, स्पेशली इस मुंबई शहर में काफ़ी डायरेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन वो अपनी सीनियरिटी गुस्से में ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं और बहुत टेंस माहौल रखते हैं शूट के दौरान. कभी किसी को गाली बक रहे होते हैं, कभी किसी को डांट रहे होते हैं, आर्टिस्ट के साथ सही होते हैं लेकिन पूरा एक माहौल बहुत डरा हुआ होता है. लेकिन मीर भाई के साथ ये मेरी कंफर्टेबिलिटी, तो हम 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं और धीरे धीरे हमने साथ में और ज़्यादा काम करना शुरू किया. मीर मेरे टूर्स, इंडिया टूर्स की BTS करते थे फ्रॉम उस
लेवल से लेके मेहनत वही है पूरी, जोश वही है पूरा आज भी, और आज ये मेन स्ट्रीम वीडियोज़ कर रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर काफ़ी वीडियोज़ कर रहे हैं, तो इनकी ये तारीफ़ करना चाहूँगा मैं कि इनके सेट पे ऐसा होता है कि बस मतलब मस्ती चल रही होती है, आपको पूरा परफॉर्म करने का, खुश रहने का मौका मिलता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, भले सब कुछ डिले चल रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, या लाइट टूट रही हो या छत टूट रही हो या कुछ भी हो रहा हो, ही इज़ ऑलवेज भाई करो यार इंजॉय करो. सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू परफॉर्म फ्रीली एंड टू गिव हिज बेस्ट, टू हैव अ डायरेक्टर लाइक हिम. दैट्स व्हाई ही इज़ माय फेवरेट, ही इज़ द ओनली वन इन इंडिया, आई एम टेलिंग यू. Mark my words, 2023 you're gonna see next level of Mihir Gulati. All because of Yo-Yo Honey Singh. Yeah. You know, nahi break diya, you know, nahi sab kuch diya. Everything because of Yo-Yo. No, he'll break everything up. He'll break all the cameras. गतिविधि बड़ा कॉमन यूज वर्ड है, लेकिन आज तक इस पर गाना नहीं बना. हम लोग ये कहते हैं हाँ भाई यार टीवी चला देख क्या गतिविधि चल रही है पॉलिटिक्स में, या क्रिकेट में क्या गतिविधि चल रही है. तो ये वर्ड स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत यूज़ होता है. तो जब मैंने ऐसे ही अपना लैपटॉप खोला, फिर मैं जर्नली अपनी जो मैंने पूरी एल्बम तैयार करी है हनी 3.0, जो इस साल मार्च या अप्रैल में आएगी, तो उसमें सारा म्यूज़िक किया है बेस योगी ने, होमी दिल्ली वाला ने. तो मैं उन्हीं की बीट्स पे लिख रहा था, उन्हीं की बीट्स पे गा रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर आप अपना लैपटॉप खोलो, अपनी बीट्स भी निकालो, उस पर भी कुछ करो. मैंने अपना लैपटॉप खोला, मैंने एक बीट बाउंस करी जो ये वाली बीट थी गतिविधि की. मैं अपने कॉर्नर में गया, मैंने कहा गतिविधि गतिविधि तेरी कमर की गतिविधि, फिर मैंने कमर हटा के तेरी नज़र कर दिया, क्योंकि जो नज़र की गतिविधि होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है कमर से, जो मेरा सोचना है. तो फिर गतिविधि सारे लड़के मेरी टीम के बोलने लगे भाई ये कहाँ से आ गया वर्ड, तो मुझे खुद नहीं पता ये वर्ड कहाँ से आ गया. और फाइनली आप लोगों ने प्यार किया, फिर मेरे को नेक्स्ट फ्लो दिमाग में आया, चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल, ना मत करियो ना मत करियो बना बोलियो चलूँगी कल, गतिविधि गतिविधि तेरी नज़र की गतिविधि. फिर ये लोग जब स्टूडियो आए कहते हमें तो ये गाना चाहिए, मैंने कहा ये गाना तो मेरी एल्बम में है, कहता हमें मुझे नहीं पता, हमें एल्बम से निकाल के दो, हम इसको पहले रिलीज करेंगे. मैं कहा चलो ठीक है. सो हाउ दिस इज हाउ इट हैपेंड. इसके अलावा साल का अंत काफी अच्छा हुआ था, नए साल की शुरुआत भी काफी अच्छी गाने से हुई. एंड जिस तरह का आपका लुक लग रहा है, जिस तरह हम बचपन में देखते थे आपको, उसी तरह का लुक अभी भी नजर आ रहा है. किस तरह से 2023 किस तरह से प्लान किया आपने? 2023 में बहुत कुछ प्लान है. मैं क्या करता हूँ कि मैं बचपन से मैंने ऐसा किया कि मैंने अपनी औकात से बाहर बड़े सपने देखने चाहे, और ऊपर वाले ने वो सपने पूरे किए. तो 2022 में मैंने फिर से कोशिश करी है कि अपनी औकात से बड़े सपने देखूं और उसको पूरा करने का जोश बना के रखूं, और ऊपर वाला ब्लेस करता है. मैंने ये सोचा था 2022 और 23 में मैं बिल्कुल बॉलीवुड नहीं करूँगा, मैंने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से शुरुआत करी, वापस अपने आप को खड़ा करूँगा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से. सलमान भाई मिल के आइफा में बुलाया, मेरे को समझा रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ को लेके, कि अगर लाइफ में कुछ भी होता है पर्सनली होता है तो वो प्रोफेशन पे नहीं आना चाहिए. मेरे साथ पर्सनली इतना कुछ हुआ, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो काम करता रहे ये करता रहे. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी एडवाइस है, मैं इस पर काम करूँगा. एक हफ्ते बाद बोले मैं गाना भेज रहा हूँ, इसको गाओ. मैंने गाया, कहते परसों क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, दिल्ली में ही हूँ, हैदराबाद आओ इसको शूट करेंगे. तो अपने आप भगवान ने दे दिया. अब सलमान भाई को मैंने गाना दिया था यार ना मिले, किक मूवी के अंदर यार ना मिले, तब मैं लंदन में था, मैं वो गाना शूट नहीं कर पाया था उनके साथ, तो ये बाकी था कुछ. तो सलमान भाई ने हाथ पकड़ा, वो गाना शूट किया, किसी का भाई किसी की जान में इस साल वो गाना आने वाला है. सबसे पहले जिन्होंने बॉलीवुड में मेरा हाथ पकड़ा था अक्षय पाजी, उन्होंने मुझे बुलाया, एक गाना हमने साथ में शूट किया, मुझे बोले मुझे ये गाना चाहिए चाहिए और तू चाहिए चाहिए इसमें, तो तू वहाँ मैंने तेरे साथ शूट करूँगा. वो गाना शूट हो गया, गाने का नाम है कुड़ी चमकीली, सेल्फी मूवी में वो गाना है, वो आई थिंक फेब्रवरी में ही आ जाएगा. तो वही बड़े सपने देखता हूँ तो अपने आप बड़ी चीज़ें अपने आप होती हैं, मैं उसके लिए हाथ पैर तो मारता ही हूँ, लेकिन मैं अगर 10 चीज़ें प्लान करता हूँ तो 25 चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. तो 2023 में मैंने टॉप 10 कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, जिसमें अब मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी, अब मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी तीसरी एल्बम जो 9 साल बाद आने वाली है देसी कलाकार के बाद, जिसका नाम है हनी 3.0. तो
तो उसके सारे गाने रेडी हो चुके हैं और बस परफेक्ट डेट देख के हम लोग उसको रिलीज़ करने वाले हैं। मेरा वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है, इंडिया टूर पहले शुरू होगा फिर वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, मतलब अब ऊपर वाला मेहर करे, सब कुछ बढ़िया चलता रहे तो बम बम भोले का पूरा आशीर्वाद है। हाँ देखो, सबसे पहली बात कि हमारे सिखिज्म में ये बात है कि 84 लाख जून के बाद सानू ये जिंदगी मिलती है, 84 लाख जिंदगियों के बाद हमें इंसान की ज़िंदगी मिलती है, तो ये भगवान हमें देता है, तो इसको भगवान के हाथ में रहने देना चाहिए कि जब वो हमसे छीनना चाहे। इसको खुद ये डिसीज़न कभी नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको आज ख़त्म कर दूँ। लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती पे हमने भगवान को कभी नहीं देखा, ना हम देख पाएंगे इस जन्म में, तो नहीं देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इतने कर्मकांडी हैं और पापी हैं कि भगवान को हम नहीं देख सकते। तो जो भगवान है हमारे लिए वो है हमारे माँ बाप, तो अगर आप उनके पास रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, तो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये थॉट कभी भी नहीं आएगा। जितने भी बच्चों ने ये चीज़ें करी हैं वो जनरली अपने माँ बाप से दूर थे। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत का एग्जाम्पल लें, मेरी मम्मी ने ये बात कही थी कि वो बच्चा कभी भी ये गलती ना करता अगर उसके माँ बाप उसके साथ होते। तो मैं जब बीमार हुआ था तो मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, उन्हीं की वजह से मैं वापस आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मुझे लगता है कि जिस भी मेरे छोटे बहन भाई को कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, लिव विद देम, शेयर विद देम, दे विल मेक एवरीथिंग हैपन अगेन। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने सब कुछ तुम्हें बना के दिया है, खड़ा करके दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पैरों पे खड़ा कराया, खाना खाना सिखाया, बात करनी सिखाई, उन्होंने ही सब कुछ खड़ा करा, तो वो दोबारा खड़ा कर सकते हैं। जस्ट गो टू देम, माँ बाप से दूरी ना रखे बस। ये भाई बस ऐसे ही अपने आप टूटी खुलती है। मैं चक्कर क्या हुआ कि मैं ना खास गाने ना बनाने का मूड हो पा रहा था, ना एनर्जी मिल पा रही थी, ना किक नहीं आ रही थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप गंगा जी होके आओ, मार्च में बोला था पिछले साल। तो मैं गया अगस्त में, अमेरिका था, अमेरिका से वापस आया मैं अगस्त, गंगा जी गया। तो उसके बाद ऐसा लकीली सरस्वती माँ ने आशीर्वाद रखा कि मैंने 45 गाने बनाए सितंबर अक्टूबर में। मैंने अपनी एल्बम डिज़ाइन की, गतिविधि भी उसी दौरान बना, जाम भी उसी दौरान बना, मुझे नहीं पता ये गाने कैसे बने। मेरे नए स्टूडियो की पॉजिटिविटी इतनी अच्छी है, मेरी टीम में है होमी दिल्ली वाला जो 5 साल से मेरे साथ है, बेस योगी 3 साल से मेरे साथ है, ननकू मेरे गुरुजी का बेटा है, और करुण, ये चारों लड़कों की एनर्जीज और स्पिरिचुअल लेवल इतना बड़ा है कि मैं इनके आसपास रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और अपने आप चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं कलेक्टिव राइटिंग कर रहा था, सबके साथ मिलके लिख रहा था, लेकिन ये 45-46 गाने मैंने खुद अकेले लिखे। तो गतिविधि ऐसे ही मेरे दिमाग में आया और सारे लड़कों ने बोला भाई ये तो कुछ डिफरेंट है, सो फाइनली सबको पसंद आ रहा है, वेरी हैप्पी फॉर। देखो भाई, मैंने चक्कर क्या है, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हिप हॉप बहुत बनाया, और मैंने खड़के गलासी एक मेरा गाना था 2005 में आया था, वो एक डांस हॉल बीट थी। उस वक्त में
हिंदुस्तान में कोई वैसा म्यूज़िक नहीं बना रहा था, आई वॉज जस्ट अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एट दैट टाइम। 2007 में मुझे लिखने की थोड़ी सेंस आई, मैंने एक पंजाबी में रैप किया, गाने का नाम है चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टे, पंजाब और कैनेडा में अच्छा चला था वो गाना। धीरे धीरे मुझे सेंस आई, मैंने हिप पॉप किया, मैंने हिप हॉप नहीं किया ज़्यादा, और एक रैप को कमर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया और जिसको लोगों ने पसंद किया। आज जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और नया मेन स्ट्रीम हिप हॉप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे सुपर टैलेंटेड एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है एमिवे बंटाए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज एंट्री इन बॉलीवुड, ही गोना किल एवरीथिंग विद हिप हॉप इन बॉलीवुड, ही इज़ द ओनली गाय हु कैन मेक इट नेक्स्ट लेवल। सो फ्रॉम ऑल दीज बॉयज ही इज़ माई फेवरेट। बेस्ट विशेज़ हैं एम सी स्टैन को, ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है, और मैं हिप हॉप मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेज़ कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो। पाजी इसके अलावा कोलैब का भी काफ़ी चर्चा होती है, एंड आपकी और बादशाह पाजी की तो काफ़ी ही चर्चा होती है, तो आप दोनों को कभी एक साथ कोई गाने में हम देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में बादशाह पाजी को भी आपके बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला वो तो मेरा भाई जैसा है, तो कभी हम देख पाएंगे आप दोनों को एक ही गाने में? 2023 में तकरीबन 6-7 महीने सिर्फ मेरे सोलो गाने आएंगे, क्योंकि मैं कोलैब्स कर रहा था तो फैंस कह रहे थे हमें कोलैब्स नहीं चाहिए, हमें सोलो गाने चाहिए खूब सारे पहले। तो तकरीबन 46 गाने मैंने सोलो बनाए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 20-25 गाने मैं इस साल जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। उसके बाद कोलैब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बात चल रही है, और जुबिन के साथ मेरा एक कोलैब हो चुका है, मेरे आइडल रहे हैं आज भी हैं अपाची इंडियन सर, उनके साथ मेरा कोलैब रेडी पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे कोलैब्स हैं जो रेडी पड़े हैं, लेकिन वो मैं अपनी एल्बम हनी 3.0 के बाद ही लेकर आऊँगा। और डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने, जैसे हमने गेटअप जवानी लिखा था। चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल, ना मत करियो ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल, गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि, घूम घूम के घूम घूम के घूम के बूटी शेक करे, मेरे वर्स को मेरी बीट को देखो कॉपी ड्रेक करे, देखो इंडिया पागल कर चुका हूँ घर घर में मैं वड़ चुका हूँ, आइफा शाइफा जीत रखा है लंबी सीढ़ी चढ़ चुका हूँ, तभी तो चल 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 हल चल 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 मेरे साथ है माँ चल चल, ना मत करियो ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल, गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि। अब आप लोग भी सब गतिविधि कर दो इस इंटरव्यू की पूरी। That's it. Thank you everybody. Thank you. स्टील नहीं है भैया, विजुअल है तो बातें कीजिए ऐसी। अरे वाह वाह, आजकल खुजली चल रही है, आजकल खुजली चल रही है, तो गतिविधि चलेगा, गतिविधि पूरा चलेगा, अभी भागेगा देखना धीरे धीरे। खलास।